हे गाइस वेलकम बैक। तो लास्ट की किसी वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि निसान मैग्नाइट एक्सी जो है उसके एमआईडी से रिलेटेड वीडियो बनाओ। इसकी एमआईडी इतनी ज़्यादा हाईटेक नहीं है, इतनी ज़्यादा हाईफाई नहीं है जितनी इसकी टॉप मॉडल की एमआईडी आती है। उसमें तो पूरी स्क्रीन ही आती है यहाँ पर। तो देखो इसमें जितनी चीज़ें हैं ना वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वैसे, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें बहुत सी चीज़ें हैं वो करनी नहीं आ रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो है और किसी ने पूछी भी है तो मैंने सोची इसके बना भी देते हैं। पहले तो मैं आपको एमआईडी का बता देता हूँ, इसकी एमआईडी दिखने में कैसी लगती है। देखो इसकी एमआईडी दिखने में ना उतनी ज़्यादा आपको प्रीमियम लुक नहीं देती, इतनी ज़्यादा आपको ऐसा लुक भी नहीं देती है, अच्छी लगती है एमआईडी इसकी। कैमरे में आपको समझ आ रहा होगा लेकिन असली में जिसके कलर्स वलर्स हैं वो ठीक ठाक आपको लग जाते हैं। वैसे मैं वो सुई वाली एमआईडी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा रॉयल लगती है, पर ये एमआईडी भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छी एमआईडी है। तो जैसा कि आपको इस एमआईडी में कोई ग्लास देखने को नहीं मिलता, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर कोई ग्लास नहीं है, सीधे सीधे जो एक मैट फिनिश सा एक जो लेमिनेशन टाइप है वो लगा हुआ है उस पर ये एमआईडी बनी हुई है। यहाँ पर कोई ग्लास वगैरह कुछ नहीं है जैसे बहुत सी एमआईडी में ग्लास होते हैं। यहाँ पर आपको एक ही बटन मिलता है ये वाला। अब देखो इस बटन से आपको यहाँ पर ट्रिप भी मिल जाती है, रेंज मिल जाती है देखने को, इंस्टेंटेनियस एवरेज मिल जाता है। ये आपकी गाड़ी जब चलती रहेगी तभी डिपेंड करेगा, तभी आएगा ये एवरेज। ट्रिप ए, फ्यूल यूज्ड, अभी तक जो गाड़ी फ्यूल यूज़ करा है इसको आप रिसेट भी कर सकते हो ऐसे यहाँ पर क्लिक करके। एवरेज आ रहा है 13 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, ये वो एवरेज है जो कि आपकी गाड़ी देगी आगे, मतलब एज एक्सपेक्टेड, मतलब इस हिसाब से अगर आप गाड़ी चलाओगे तो इतना एवरेज आपकी गाड़ी आपको देगी। ये जो 13 किलोमीटर ये है जो आपकी गाड़ी अभी तक दे चुकी है। और जो दूसरा आता है इंस्टेंट एवरेज वो है अभी इस पॉइंट पे, एट द सिमिलर पॉइंट आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। ऊपर आपको इंजन के टेम्परेचर की वार्निंग्स मिल जाती है, यहाँ पर आपको पेट्रोल से रिलेटेड गॉज मिल जाता है, 1 2 3 4 5 6 डंडे मिलते हैं। ऊपर के 4 डंडे वाइट रहते हैं, नीचे के 2 रेड रहते हैं। साइड में आपको RPM का मीटर मिल जाता है, ये जब आप गाड़ी चलाओगे स्टार्ट करोगे तो रेव करता है। जैसे मैं चालू करके दिखाता हूँ अभी आपको, और ये जाता है स्ट्रेट 6 RPM तक। वार्निंग है पर 6 RPM तक नहीं जाता है। कौन सी वार्निंग्स है जो यहाँ पर शो होती है इस वाले मीटर पर? देखो यहाँ पर आपको ये गियर अप डाउन की अभी दिखी होगी, यहाँ पर गियर अप डाउन की है। यहाँ पर जो आप इससे एक्सेल वेरिएंट लेते हो यहाँ पर कार के डोर्स की भी आती है। अब इंस्टेंट एवरेज वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। इको, इसमें ड्राइव मोड तो है नहीं पर ये फिर भी इको बताता है। और ऊपर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंजन की लाइट, आपको जो है सीट बेल्ट वाली लाइट, आपको इधर भी बहुत सारी लाइट्स मिलती है। आप इस तरह से देख लीजिए, ABS, CVT सब कुछ। कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जब जल जाती है तो कई बार क्या होता है ना सिस्टम में ग्लिच टाइप का हो जाता है। बहुत से यूज़र्स बोलते हैं कि इसका एवरेज ही नहीं जा रहा है, मतलब 12-13 के ऊपर एवरेज ही नहीं जा रहा है। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ 13 KMPL का माइलेज आ रहा है, तो आप एक बार एवरेज आपका रीसेट करके देखो, सब चीज़ें रीसेट हो जाती है। आप एवरेज के ऊपर आओ, उसके बाद इस पर क्लिक करे रखो। जैसा कि यहाँ पर एवरेज रीसेट हो चुका है, अब आप कार चलाओ, अब जो आपके कार चलाने का वे है उस हिसाब से यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। अभी सारे एवरेज जो हैं रीसेट हो चुके हैं। आप एक बार एवरेज रीसेट करके चलाओ तब आपकी गाड़ी शायद अच्छा एवरेज इम्प्रूव हो जाए। यहाँ पर आप जैसे विंडोज़ लॉक करते हो पीछे की, जैसे मैं बताता हूँ, इसको मैंने दबाया तो वहाँ पर आ चुका है विंडोज़ लॉक। जो विंडोज़ लॉक हुई है ये सिर्फ पीछे की हुई है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ ये तो अभी भी खुलती है। तो ये चाइल्ड लॉक टाइप का हो गया आपका, अगर पीछे आपके बच्चे बैठे हुए हैं तो आप पीछे की विंडोज़ लॉक कर सकते हो। एक और चीज़ जो यहाँ शो होती है वो है ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में, जैसे आप इस पर क्लिक कर रखते हो तो यहाँ पे ऑटो लॉक ऑन ऑटो लॉक ऑफ आता है। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में लिंक है, आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और इस MID में आपको बाकी कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी, जैसे कि आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा देखने को कितना टेम्परेचर है। हाँ, गियर स्विच वाला वार्निंग मिलती है कि आपको गियर अप करना है फिर डाउन करना है। ऐसा नहीं आता है कि आपकी गाड़ी अभी कौन से गियर में चल रही है, इंडिकेटर का कुछ इस तरह से आता है और इस तरह की साउंड आती है, इसी तरह ऊपर का आता है। और अगर आप दोनों साइड के इंडिकेटर चला देंगे इसको दबा के तो दोनों साइड के इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं। और बाकी इनसे रिलेटेड और कोई चीज़ यहाँ पर शो नहीं होती है, बस इतनी ही चीज़ शो होती है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और आपके थॉट्स ज़रूर कमेंट करना कमेंट सेक्शन में।
कोई वीडियो आपको चाहिए किसी चीज़ से डेडिकेटेड, तो वो वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ। पीस।